अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये गुलाब बनाना बताऊंगी, जैसा कि मैंने शूज़ में बना के लगाया था और आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये आप रोज़ कहीं भी लगा सकते हैं। ये बहुत 3 पेटल रोज़ है। ये देखिए मैंने बूटी तैयार की है। हाँ, इसमें मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो ये इसका शो और बढ़ जाएगा। साइड में भी लगा सकते हैं इसको, जैसा आपकी ख्वाहिश हो, कहीं भी लगा ही सकते हैं आप। ये मैंने इसके लिए ये पिंक कलर का वूल यूज़ करा है। ये वूल है, एक्रेलिक वूल, मार्केट में अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम, जैसे आप हमेशा मैं स्टार्ट करना बताती हूँ, कि एक चेन लिए हमने, पहले नीडल को टर्न करके एक चेन लिए, फिर उसके बाद 2, 3, देन फर्स्ट जो चेन होती है उसमें हम स्लिट स्टिच कर देंगे टर्न होकर। इससे एक रिंग तैयार हो जाएगी, एक रिंग तैयार होगी। अब उस रिंग के अंदर हमें लेना है, जो भी करना है, जो बनाना है हमें। मैंने 2 चेन फॉर डीसी लिया है, अभी 2 चेन फॉर गैप लिया है, यानी कुल 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर मैंने उसी रिंग में, जो रिंग तैयार हुई है उसमें नीडल डालते हुए एक डीसी लेंगे। ये हमारे फर्स्ट पेटल का रिंग तैयार हुआ है। देन नेक्स्ट पेटल के लिए फिर 2 चेन लेंगे। अभी हमने फर्स्ट पेटल का रिंग बनाया, नेक्स्ट पेटल के लिए 2 चेन, देन अगेन रिंग में डालकर एक डीसी। ये जो नीडल मैं डाल रही हूँ, ये आप लोग गौर से देखिए, मैं जो 3 चेन का जो रिंग हमने रेडी किया है मैं उस रिंग में डाल रही हूँ, देन डीसी। इसी तरह 2 चेन फिर डीसी, 2 चेन फिर डीसी, और डीसी हमें उसी रिंग में करते जाना है। इससे हमारे पेटल्स के लिए रिंग तैयार हो गया। आपको जितना पेटल चाहिए, 5, 6, 7, उतना आप 2 चेन लेकर डीसी करके पेटल्स के लिए गैप तैयार कीजिए। मैंने 5 पेटल का बनाया है तो मैं 4 डीसी लूँगी, और 5वीं बार जब मैं चेन लूँगी, देन शायद, एक मिनट देखिए मेरा 1, 2, 2 चेन के बाद जो मैंने डीसी के लिए चेन डाला था, 2 चेन उसी दूसरी चेन में मैंने स्लिट स्टिच करके ज्वाइन कर दी। 2 चेन लेकर फर्स्ट चेन, 2 चेन में मैंने इसे डीसी किया है। इस तरह मेरे 5 पेटल्स के लिए 5 रिंग तैयार हो गई है। अब फर्स्ट रिंग में मैंने डीसी लिया, स्लिट स्टिच, सॉरी, एससी लिया, देन डीसी। ये एक डीसी, ये मैंने दूसरा डीसी लिया, देन तीसरा डीसी। 3 डीसी के बाद एससी लेना है मुझे। ये मैंने एससी लिया, इससे देखिए पेटल का शेप बन गया है। फर्स्ट डीसी, एससी, 3 डीसी, फिर एससी लॉक। इस तरह पूरे इसमें आपको करना है, पूरे 5 पेटल्स रेडी होंगे। ये मेरा लास्ट पेटल चल रहा है, मैंने ये लास्ट पेटल के तैयार कर लिया। अभी हमें हमारा थ्रेड बैक साइड लेना है। जब हम डीसी कर, एससी कर चुके लास्ट में, ये मैंने स्लिट स्टिच करके से ज्वाइन कर दिया फर्स्ट पेटल से। अब मैं अपना थ्रेड बैक साइड लूँगी। बैक साइड पास करने के लिए पीछे से एक लूप में हम इसको स्लिट स्टिच कर लेंगे। देन 1, पहले हमने पहला पेटल 2 चेन के लूप में बनाया था, अब हम सेकंड पेटल की तैयारी करें, सेकंड लेयर की। तो उसके लिए हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर एक पेटल के एंड में, जो फर्स्ट पेटल है उसके 2 पेटल्स के बीच में जो चेन होती है उसमें हम नीडल पास करके एससी करेंगे। ये मैंने एससी किया। थोड़ा सा वूल ना निकलने में प्रॉब्लम होता है, तो आप ज़रा ध्यान से करें, खींचे नहीं वूल। ये देखिए ये गैप, ऐसा रिंग तैयार हुई है बैक साइड में। देन अगेन 3 चेन,
और ये मैंने दो पेटल के बीच में से जो चेन है उसको उठा के रिंग लिया। नौ तीन, ठीक है, ये मेरा दो पेटल के बीच में से रिंग। इस तरह हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है पीछे, जैसे पांच पेटल्स आगे बने तो उसके बैक में भी पांच पेटल्स की रिंग डालेंगे हम तीन चेन के साथ। तीन चेन एक डीसी, तीन चेन एक डीसी करके हम उसको लास्ट तक लेकर आएंगे। देखिए ये मेरे सब रिंग्स तैयार हो गए बैक साइड में, ये रिंग्स पूरे मेरे रेडी है। मैंने उसे स्लेट से ज्वाइन कर दिया है। अब हम रिंग के अंदर स्टिच स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एस सी लेंगे, एक एस सी। नीचे हमने तीन डी सी लिए थे, इसके लिए हम यहाँ पर पांच डी सी लेंगे। ये एक हो गया, दो, ये मैंने निकाला तीन, ये चार, ये पांच। पांच डीसी के बाद फिर एससी, ये हमारा पेटल कंप्लीट हो गया, एक पेटल तैयार हुआ। इसी तरह हम पीछे जितने भी रिंग्स हमने रेडी करे हैं उन सब रिंग्स में पांच डीसी वाला पेटल तैयार करेंगे। दूसरी रिंग में जाने के लिए हम डायरेक्ट जाकर एससी लेंगे। देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ, ये एससी लिया हमने दूसरी रिंग में और ये डीसी। फिर हमें इसी तरह पांच डीसी और एससी पे कंप्लीट करना है पेटल्स को। ये देखिए मेरा पेटल कंप्लीट हो गया है, ये पूरे, ये मेरा लास्ट पांचवा वाला है। इसमें मैंने लास्ट में एससी किया। एससी करने के बाद मुझे इसे फर्स्ट पेटल से जॉइंट करना है, तो मैं उसमें स्लिट स्टिच कर रही हूँ ताकि ये एक दूसरे से जॉइंट हो जाए। ये हमारी दूसरी लेयर तैयार हो गई है। अब थर्ड लेयर के लिए मैं अपना थ्रेड को बैक साइड में ले रही हूँ। बैक साइड में लेने के लिए वही बीच में आपको थ्रेड पास करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये मेरा बैक साइड आ गया है थ्रेड। ये देखिए यहाँ पर मेरा थ्रेड आ गया है। अब मैंने नीचे इसे लेकर पास कर लिया। इसी तरह आप जितनी लेयर्स चाहिए बना सकते हैं, एक दो तीन चार, आपको जितनी लेयर चाहिए। ये धागा थ्रेड पास करके मैंने इसे कट कर दी हूँ। ये देखिए मैंने इसी तरह लेयर्स करके कंप्लीट थ्री लेयर्स बना दी हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में मैंने तीन डीसी ली, सेकंड में पांच डीसी का, और थर्ड लेयर में मैंने सेवन डीसी का बनाई हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़।